हेलो दोस्तों, मैं शैलेश मिस्त्री हूँ। इस वीडियो में हम MCPCB पर लगी SMD LED खराब होने से बंद हुए बल्ब को कैसे चालू कर सकते हैं वो सीखेंगे। जनरली LED बल्ब के दो पार्ट होते हैं, एक ड्राइवर जो 230 वोल्ट AC करंट को जरूर के हिसाब से DC में कन्वर्ट करके MCPCB यानी मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को देता है। दूसरा पार्ट MCPCB है जिसके ऊपर बल्ब के वॉट के हिसाब से SMD LED सीरीज में लगी होती है। अब DOB यानी डायरेक्ट ऑन बोर्ड वाले बल्ब भी आने लगे हैं जिसमें ड्राइवर का पार्ट भी MCPCB पर आ जाता है। अलग अलग बल्ब में MCPCB पर अलग अलग वॉट और वोल्ट की SMD लगी हुई होती है, तो देखते हैं इसे कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये LED बल्ब को मैं पावर देता हूँ, ये नहीं चल रहा है। पहले इसे खोलेंगे। ये 5 वोल्ट का LED बल्ब है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पहले वोल्टेज चेक करेंगे जिसे पता चले कि PCB को पावर मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके लिए मल्टीमीटर को 200 वोल्ट DC पर सेट करेंगे। ये लगभग 18 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब कि ड्राइवर ठीक है। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे। ये वाली जो LED है वो टूटी हुई लगती है, तो पहले इसे ही शॉर्ट करके ट्राई करते हैं। शॉर्ट करने से बल्ब जल रहा है, मतलब यही LED खराब है। हम इसकी जगह पे नई सेम रेटिंग की LED लगा सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब हम इसे हटा देंगे। इस बल्ब में आधे वॉट की टोटल 10 LED सीरीज में लगी है और लगभग 18 वोल्ट मिलते हैं, मतलब हर एक LED को 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर हम इसे शॉर्ट करेंगे तो ये 18 वोल्ट जो 10 LED को मिलते थे अब 9 LED को मिलेंगे, मतलब हर एक LED को ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे, जिससे दूसरी LED खराब हो सकती है और बल्ब फिर से बंद हो सकता है। अगर LED को शॉर्ट करते हैं तो बल्ब को ऐसी जगह यूज़ करना चाहिए जहाँ थोड़ी देर के लिए ही चलाना है, जैसे बाथरूम हो, बालकनी है वगैरह। इसे ड्राइंग रूम, किचन, लिफ्ट जैसी जगह जहाँ लंबे समय तक चालू रखना हो वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। एक और उपाय भी है, हम यहाँ एक ऐसी LED भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देख के यहाँ सोल्डर करके ये बल्ब चला सकते हैं। इससे वोल्टेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और बल्ब भी लंबे समय तक चलेगा। इस तरह ख़राब SMD LED की जगह हम दूसरी सेम वॉट रेटिंग की SMD लगा सकते हैं। सिंपल वाइट या येलो LED भी लगा सकते हैं, या कम समय चले ऐसी जगह अगर लगाना है तो शॉर्ट करके भी बल्ब को चला सकते हैं। मैंने SMD की जगह सिंपल LED को सोल्डर कर दिया है। अब चला के देखते हैं। देखिए, ये बराबर जल रहा है। अब दूसरा बल्ब लेंगे जो 9 वॉट का है, इसे चालू करके देखते हैं। इसे खोल लेते हैं। ये बहुत कम जल रहा है। अब सब SMD LED को बारी बारी शॉर्ट करके चेक करना है। देखिए, ये LED पे काला डॉट हो गया है और यही खराब है। फिर से शॉर्ट करके देखते हैं, ये चलता है। हम इस LED को तोड़ देंगे
इस एलईडी को हमने तोड़ दिया है। ये एमसीपीसीबी को ड्राइवर से लगभग डीसी 100 वोल्ट मिल रहा है। ये 1 वॉट की 9 एलईडी है। ये जनरली 9 वोल्ट की होती है। इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो 100 वोल्ट जो 9 एलईडी को मिलता था वो 8 एलईडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हर एक को ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, जिससे बल्ब जल्दी फिर से ख़राब होने की शक्यता होती है। सबसे इजी रास्ता इसे शॉर्ट करने का है। मैं SMD की जगह रेजिस्टर लगाऊंगा। ये मेरे पास 82 ओम्स का रेजिस्टर है जिसे मैं SMD की जगह लगा दूंगा। ऐसा करने से थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और बल्ब थोड़ा लंबा चलेगा। देखिए, मैंने SMD की जगह रेजिस्टर लगा दिया है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे टेस्ट करते हैं। ये बराबर जल रहा है। तो आप इस तरह से LED बल्ब को घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।